दोस्तों आज जो वीडियो हमारी है वो बहुत पावरफुल होने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बनाया था वो विकल्प रिपोर्ट पे तैयार किया था, और ये वीडियो है जो है कि मंथली पावर कंजप्शन रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों जो भी हम आपको यहाँ टिप्स बताने वाले हैं वो बिल्कुल आप ध्यान से देखना, और जो भी मैं रिपोर्ट तैयार करता हूँ ना इसका कहीं ना कहीं यूज है। आप मंथली पावर कंजप्शन रिपोर्ट कहाँ यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके आपकी कोई कंपनी है और उस कंपनी में डेली आप डेली के यूनिट पता करने हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारा यूनिट रोज का बिजली का खपत है, और पैसे भी तो ज़्यादा होंगे। अगर जो डेली आप पेमेंट करना चाहो तो डेली पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें दिखाया है। जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कैसे फॉर्मूला लगाया है ये आप आइकन में जाके क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद इस वाले में कुछ डिफरेंट तरीके से मैंने फॉर्मूले लगाए हैं, और वो फॉर्मूला आपको मैं जो है कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और उसको आप फॉलो करोगे तो समझ में आ जाएगा। हर चीज बनाने बनाने का कोई ना कोई रीजन होता ही है। एक्सेल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, और उसको पता भी होना चाहिए कि आप किस तरह से उसे मैनेज करोगे और किस तरह से उसे करना है, आप रिपोर्ट कैसे तैयार करोगे। आगे चलते हैं वीडियो को, एक बार डेमो देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। तो मैं फिलहाल में यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और अब इसके नीचे एक एंट्री में करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ, सेंटर में रहेगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, इन्हें सेंटर में कर लेता हूँ। ऐसे मैं एक एंट्री यहाँ करता हूँ। अभी हमारा जो है ना कि ट्यूजडे तक का हुआ है, ट्यूजडे तक होना है, मंडे तक हुआ है, ट्यूजडे का होना है। तो नहीं, यहाँ जो है ना कि स्टार्ट यूनिट तो हमें पता है, करंट यूनिट डालना है। करंट यूनिट हमने डाल दिया 320, ठीक है, एंटर मारा। अब देखो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक यहाँ ये आ गया, और यहाँ टोटल होता जा रहा है, सारा टोटल होता जाता है, सारे टोटल होता जा रहा है करंट में हमने कितना डाला, ये सारी चीज, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि अगर जो हम यहाँ पेमेंट कर, एक बार और डाल लेते हैं, हमने यहाँ किया 410, 410 कर लेते हैं, एक बार और डाल के देखते हैं। देखो जी 410 यहाँ है, 410 यहाँ भी हो गया, टोटल आ रहा है यहाँ से, यूनिट हमारी बनती जा रही है। अब इनमें से माइनस करके ये वाला जो टोटल यूनिट है ना हमारा, ये आ रहा है रेट हमें 10 पर यूनिट, 10 रुपया है, और इसका मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक यहाँ होता जा रहा है। इस वाले को हमारा क्या हो रहा है, जब हम एंट्री कर रहे हैं तो इस कॉलम में हम जो है एंट्री कर रहे हैं, और क्या हो रहा है कि जो है कि हमारा यूनिट यहाँ आना शुरू हो गया। तो ये हमारा यूनिट यहाँ स्टार्टिंग, ठीक है। बाकी हम देखें आगे, आगे हमारा क्या हो रहा है, तो आगे जो है कि यहाँ हमारा बेसिक पर यूनिट 10 रुपया। अब यहाँ अगर जो हम पेमेंट करेंगे, अगर जो हमें पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, डन, यानी पेमेंट हमारा डन। जिस दिन का हमने पेमेंट किया उस दिन का पेमेंट यानी संडे कर दिया, या फ्राइडे या सैटरडे गया उस दिन का संडे या फ्राइडे का हमारा ये सारा कैसे अब देखते हैं। यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, हमने किया चेंज कर दिया, इसी वाले कॉलम को सेट कर लेते हैं। देखो हमारा पेमेंट डन दिखा, अगर इसी में भी आप करो कि हम आ जाते हैं एक कॉलम को, तो इस पूरे सीट में जहां भी आप पेमेंट करोगे वहां ये शो करेगा कि पेमेंट डन, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमने कैसे लगाए हैं। रहेगी बात किस जो है कि हमने यहाँ संडे मंडे लिया है, ज्यादातर होता है सैटरडे और संडे, ये दो हाईलाइट होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये डेमो करके दिखाया है, अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमने इस वीडियो को कैसे बनाया है ये सारी चीजें देखते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से सिंपल सा करके ऊपर के जो हेडिंग है ना इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल सी से कॉपी। दोस्तों एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आप जो है ना कि दो सीट को एक साथ में आप करके और इसका जो मैटर दूसरे सीट पे टाइप कर सकते हो, वो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, या चाहे इसी में भी बता सकता हूँ, सारी चीज़ें इसमें भी आ जाएगी आपको। मगर मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और नहीं तो आप एक तरीका और है कि हम इसे बता भी सकते हैं कि आप कैसे दो सीट को एक साथ में लेकर टाइप कर सकते हो। तो इसका मैं क्या करता हूँ, विंडो के साथ जो एरो है ना, तो एक लेफ्ट राइट वाला है ऊपर नीचे है, तो जो है कि अगर जो स्क्रीन इस तरफ या इस तरफ लेफ्ट में राइट में लेना है तो लेफ्ट में राइट में आप कर सकते हो। हमने क्या किया, ऐसे हमने क्लिक किया, ठीक है। ये हमारे पास विंडो खुल के आ गई, तो हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, तो जितनी हमारी विंडो खुलेगी हम इसे खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारी विंडो खुल जाएगी, देखो ये डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। अब हम चाहे तो दूसरे भी विंडो खोल सकते हैं और डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएगी।
मिनिमाइज हमारा हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि पहले तो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी और दूसरे दूसरा पेज देते हैं कंट्रोल एन, ठीक ना। इसी में से लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, सीट लेते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब इसको एक किसी पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से पूरे को ए को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने किसी एक पे सेलेक्ट कर देंगे, क्लिक कर देंगे, बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया वो, बस इतना ही डालने देते हैं, इतना इतना काफ़ी है, ये आ गया, ठीक है। अब चाहो तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ये पेमेंट आ जाएगा और ये यूनिट को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ डालते हैं क्या, यहाँ डालना है हमें डेट, तो हम यहाँ डालते हैं डेट, डेट आ गया। और उसके बाद क्या डालते हैं, इसे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चलो फटाफट काम हो जाएगा, ठीक है। इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से फटाफट काम हो जाएगा। चलो डेट का तो डल ही रहा है, चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। अब यहाँ डेट में क्या करना है, एक तो आज की डेट डालनी है और दूसरे में क्या करना है, दूसरे में हमें आज का जो है कि डे ले के आना है। तो जिस दिन की हम डेट डालेंगे उसी दिन का डे लाना है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, हम जानते हैं 1 अप्रैल 2022। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम नंबर लेंगे, पूरा डेट नहीं लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर में आते हैं, यहाँ होम में आके नंबर में कस्टम में जाते हैं और यहाँ से क्लिक करके और ईयर को हटा देते हैं, मंथ को हटा देते हैं और यहाँ 4 बार डीडी डीडी कर देते हैं, ठीक है। नहीं 2 ही बार आने, ये तो डे है ना, डे जब करेंगे उसमें करेंगे। और इसको क्या करते हैं, पकड़ के खींच देंगे नीचे तक, 30 तक, कहाँ है, दूसरा महीने आ गया, यहाँ आ जाते हैं, बीस, 29, 30, ठीक ना, 30 तक हमारा हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ इज इक्वल टू टेस्ट, इसका एक फॉर्मूला है कि अगर जो डेट को डे में कन्वर्ट करना है तो टेस्ट लिखेंगे, डे को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा में 4 बार डीडी दबा दो, इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद और आपका ये आ गया। इसके यहाँ क्लिक कर दो, ये सारा हो जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर में कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर में हमें करना पड़ेगा तो बीच में दिखाई देगा, ओके। अब यहाँ हमें जो है कि यूनिट हमारा पहले से 100 यूनिट चल चुका है और इसको क्या करना है, यहाँ यूनिट भी लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तीनों कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और नीचे तक ब्रेक कर लेते हैं, जहाँ तक हमें लेना है यहाँ तक हम कर लेते हैं। और इसमें जो कि जाते हैं हम कहाँ, हम जाते हैं होम में और होम में जाने के बाद नंबर में जाएंगे और यहाँ जाएंगे कस्टम में और यहाँ जाएंगे हम 0 पे क्लिक करते हैं और यहाँ से शिफ्ट के साथ हैश दबा देते हैं, इस पे इन्वर्टेड कोमा में करते हैं, इन्वर्टेड कोमा में करते हैं क्या यूनिट, ठीक ना, इन्वर्टेड कोमा बंद और एंटर, ये अब सारे में यूनिट आएगा। अब यहाँ डालते हैं कि 120। अब यहाँ हमें निकालना है कि 100 को माइनस करना है, 120 को माइनस करना है 100 से, तो यहाँ फार्मूला हमारा लगेगा, क्या फार्मूला लगा, यहाँ फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू इफ सेलेक्ट, हमें क्या करना है, तो हमें सेलेक्ट करना है D4 को, तो D4 कौन सा है, ये यानी D कॉलम हो गया, अब 4 हमारा क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लगाना है क्या, हमें लगाना है इज इक्वल टू का निशान, ठीक है, इज इक्वल टू का निशान लगा के इन्वर्टर कोमा, इन्वर्टर कोमा, क्योंकि हम ड्रैग करें नीचे तक तो हमें 0 दिखाई ना दे, तो अगर जो इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हमें 0 दिखावे, इन्वर्टर कोमा, इन्वर्टर कोमा, अगर जो कोई वैल्यू है तो क्या करें, D4 में से माइनस कर दे C4 को, है ना, और ब्रैकेट बंद करो और एंटर, ठीक आ गया। अब क्या है देखो, मैं यहाँ से ना क्लिक करूँ तो नीचे 0 नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा,
अब आगे चलते हैं, आगे वाला में क्या है, आगे वाले में फिर हमें जो कि इस कॉलम में हमें 10 रुपीज आना चाहिए। तो 10 रुपीज के लिए हम वैसे भी टाइप कर सकते हैं 10 रुपीज 10 रुपीज, मगर 10 रुपीज कब आए कि जब यहाँ मैं वैल्यू डालूँ तब आए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू इज इक्वल टू इफ, और उसके बाद क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे E4 को, तो E4 हमारा ये होगा इज इक्वल टू, अगर जो वैल्यू ना मिले तो 0 दिखाए, अगर जो वैल्यू मिले तो क्या करें, तो जो है कि इनवर्टेड कोमा में हमें लिख रहे रुपीज है, ब्रैकेट बंद और एंड, 10 रुपीज आ गए। अब आगे क्या करना है, आगे इसी का मल्टीप्लाई करना है, तो हम कह रहे हैं इज इक्वल टू इफ और उसके बाद F4 को सेलेक्ट करेंगे, तो F4 हमारा कौन सा है, F4 हमारा ये है इज इक्वल टू इन्वर्टर कोमा कोमा यानी 0, फिर इन्वर्टर कोमा ये कि अगर जो वैल्यू मिले तो क्या करें, इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इस वाले को, मैंने जो है कि हमें E4 को F4 से मल्टीप्लाई कर दे, ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। तो यहाँ रुपीज में आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इन सारों को सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक जहाँ तक हमें ड्राई करना है, ठीक ना। और उसके बाद हम जो है कि होम में जाते हैं और यहाँ से ऐसे क्लिक करके और करेंसी पर क्लिक करते थे, कहीं से भी करेंसी पर क्लिक करते, हम यहाँ आ गए थे, आप यहाँ से भी करेंसी को क्लिक कर सकते हो होम में जाके, और ये ऊपर है ना इस पर क्लिक करके यहाँ से भी करेंसी आप ले सकते हो यहाँ से भी। मैं कस्टम में चला गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारा क्या है कि जो है कि हम सारे में बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हमने बॉर्डर लगा दिया, ये रहा, ठीक है। बॉर्डर लगाने के बाद अब हम यहाँ एक और फार्मूला लगाएंगे, लास्ट में जो फार्मूला लगेगा हमारा इज इक्वल टू इफ। अब इसमें क्या करना है, हमें करना है कि D4 को सेलेक्ट करना है, D4 हमारा ये रहा, ठीक। D4 को पहले सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू इसमें लगाएंगे इन्वर्टर कोमा खाली इन्वर्टर कोमा इन्वर्टर कोमा, अगर जो वैल्यू मिले तो क्या करें, तो C4 में से माइनस कर दे किसे, E4 को। तो C4 कौन सा है भाई, तो C4 हमारा ये हो गया, अरे प्लस कर दे माइनस नहीं, C4 हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया, और प्लस कर दे E4 को, ठीक है, और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब हमारा क्या है ना कि देखो इस वाले को यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये नीचे तक आ जाएगा, इस वाले को यहाँ से क्लिक करना है ये नीचे आ जाए, और यहाँ से इसे क्लिक करना है ये नीचे आ जाए, और ये वाले यहाँ से नीचे करना है ये आ जाए, ठीक। इस वाले को तो मैं जाएंगे तो इस वाले को तो नहीं करेंगे, इस वाले को करना, इस वाले में तो हमें वैल्यू डालना है, ठीक। इस वाले में हमें वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे, आगे वाली वैल्यू डालते हैं, मैंने मान लो कि हम डालते हैं कि हमारा जो है कि 185 यूनिट आज तक हुआ है, तो क्या हुआ, सारा हमारा यूनिट यहाँ बन के तैयार हो गया, यानी 65 हमारा निकल गया, 65 ही 85 में से क्या होगा 65, ठीक ना। तो ऐसे फिर आगे अगर जो हम डालते हैं कुछ, जो मान लो कि हमने 210 डाल दिया, तो इसका रीजन देखो कितना आता है, 210 डाला तो हमें 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट हमारा आज का हुआ, और यहाँ कैलकुलेट टोटल होकर हमारा आ रहा है कि टोटल हमारा यहाँ कितना है, टोटल हमारा यहाँ, अब समझ में, चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो है ना कि जब आप जब कभी हम यहाँ पेमेंट करें तो क्या करें, पेमेंट मैंने पेमेंट दंड दिखाया यहाँ, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ हटाते हैं, पहले इस वाले को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं होम में, और होम में जाने के बाद क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाई हाईलाइट सेल रूल में जाते हैं, और यहाँ से जाके
और जो कि हम चले जाते हैं मोर रूल पे, और यहाँ जाने के बाद इस पे आते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट एनी सेल विथ, इसमें करेंगे नो ब्लैंक। अगर जो ब्लैंक नहीं रहे तो क्या करें, यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिल में जाते हैं और इसे करते हैं ग्रे। और फ़ॉन्ट का साइज करते हैं क्या, व्हाइट, और इसे कर देते हैं बोल्ड, और इसे कर देते हैं ओके। ठीक है, ऐसा। अब जब भी आप ना सेलेक्ट करोगे और फील्ड नहीं रहेगा और ओके करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी एक फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू इफ, और उसके बाद अगले वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में क्या करेंगे, इसे कोमा लगाएंगे, इक्वल टू लगा लो, इन्वर्टेड कोमा लगाओ, कोमा करो, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा करो, और फिर इन्वर्टेड कोमा में लिख दो ए मेंट डन ब्रैकेट बंद, और ये रहा, हो गया। अगर जो हम यहाँ से पेमेंट को हटा देते हैं तो ये भी गए। ठीक है, अब इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें सेलेक्ट करके फिर हम वहीं जाएंगे और हाईलाइट रेड रूल में जाएंगे, और उसके बाद मोर रूल में जाएंगे, और उसके बाद नो फिल ब्लैंक में जाएंगे, उसके बाद फील्ड में जाएंगे, इसे भी ग्रीन कर देते हैं, और इसका भी जो है कि कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद इसे भी बोल्ड कर देते हैं, ओके और ओके। अब दोस्तों हमारा बनके तैयार है। अब आप कभी भी यहाँ पेमेंट अगर जो करते हो और इस वाले सेल को सेलेक्ट करके एंटर मारते हो तो दोनों चीज़ें प्रॉपर आएगी। आगे वाले चलते हैं, आगे वाले सेल में भी करके देख लेते हैं, यहाँ से करेंगे और एंटर। तो क्या हुआ, अभी हम यहाँ जो है कि ये की में लगाए थे, यहाँ कोने पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे में आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक आ गया। अब इनमें से किसी में भी करोगे आप, यहाँ से आप पेमेंट करते, जब आप मान लो कि 315 हम यूनिट मान लेते हैं कि हमारा खपत है, और आगे चलते हैं यहाँ 560 मान लेते हैं, जितना आप डालते चले जाओ, यहाँ 625 डाल देते हैं, 625। तो आप जैसे जैसे डालोगे और जहाँ जहाँ पेमेंट करोगे, जब जब पेमेंट करोगे, आप जब भी पेमेंट करोगे आप ऐसे कर देना ये, और उसके बाद तो दोस्तों ये जो मैंने बनाया है एक अलग ही बना रखा है, जो डिटेल मैंने दे रखी है ये अलग तरीके से दे रखा है, जो फॉर्मूला हमने बना रखा है वो अलग तरीके से बना रखा है। अब आपको अगर जो कोई इसमें ऐसा जो फॉर्मूला है जो आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, और उसका सलूशन हम देंगे आपको, जो भी आपके मन में डाउट है वो आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना।